भारतीयों ने हिंदी में तैयार किया ट्विटर का विकल्प कूव। आत्मनिर्भर भारत में स्वदेशी ऐप विकसित करने की चुनौती स्वीकार करते हुए बेंगलुरु के दो युवा उद्यमियों ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर का विकल्प विकसित किया है। इस ऐप ने न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज जीता बल्कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना भी की। ऐप विकसित करने वाले मयंक ने बताया कि देश में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं। ट्विटर के भले ही 33 करोड़ से अधिक यूजर हैं, लेकिन भारतीय भाषाओं में बहुत कम ट्वीट्स आते हैं। एक दिन में औसतन पूरी दुनिया में 20 से 30 करोड़ ट्वीट होते हैं, जिनमें से भारतीय भाषाओं के 60 से 70 हजार से ज्यादा ट्वीट नहीं होते। ट्विटर भले ही एक स्थापित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन हिंदी भाषियों को यहाँ झिझक होती है, इसीलिए कूव बनाया गया है। आज देश में इसके 10 लाख यूजर्स हो चुके हैं। ऐप कई नई सुविधाओं से युक्त है। इस पर 400 अक्षर के टेक्स्ट, 1 मिनट के ऑडियो वीडियो अपलोड करने की सुविधा है। अगर अंग्रेजी में भी टाइप करें तो वह हिंदी में हो जाता है। इस ऐप को अंग्रेजी भाषा के लिए नहीं बनाया गया है। मयंक कहते हैं कि इसे पूरी तरह भारतीयता में ढाला गया है। कू प्लेटफॉर्म से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री आर अश्वथ नारायण, क्रिकेटर अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ सहित जानी मानी हस्तियां जुड़ चुकी हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।